हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज मेरे पास है यसडी का स्क्रैम्बलर। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज मेरे पास है यसडी का स्क्रैम्बलर। ये यसडी ने तीन बाइक निकाले थे, एक था एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और एक रोडस्टर। हमारे पास स्क्रैम्बलर है, एडवेंचर हम लोग रिव्यू कर चुके हैं। एडवेंचर के जो बेंचमार्क्स हैं, क्या स्क्रैम्बलर उनको मैच कर पाएगा, क्योंकि स्क्रैम्बलर इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड फॉर दैट रोडस्टर जो क्रूजिंग बाइक होते हैं और एडवेंचर का भी। इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप इसमें थोड़ा बहुत आप ऑफ रोड भी कर सकते हो और क्रूजिंग तो आप कर ही सकते हो। तो हम लोग देखेंगे क्या स्क्रैम्बलर की राइड क्वालिटी, जो कि मैंने टेस्ट ड्राइव की है, क्या इसकी राइड क्वालिटी आपको वो एक्सपेक्टेशन जो आपकी हैं, जो ये डिजाइन आपको ऑफर करता है, वो पूरी करती है कि नहीं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। डिजाइन आपको पता लग ही रहा है, हाइब्रिड है ये, क्योंकि इसमें पीछे ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ऑफ रोड वाले टायर हैं काफी अच्छे वाले, मतलब काफी अच्छी ग्रिप वाले मोटा सा टायर मिल जाता है आपको। अगला वाला टायर भी काफी अच्छा है, मोटा है, बढ़िया है, मतलब प्रॉपर ऑफ रोड नहीं कहूंगा मैं, हाइब्रिड टायर्स हैं, तो आप दोनों चीज इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डिजाइन आपको पता लग रहा है स्क्रैम्बलर, आपने डुकाटी का अगर देखा होगा तो वही सेम इंस्पायर्ड आपने डिजाइन देख सकते हैं इसमें। जो एग्जॉस्ट है इसमें डबल एग्जॉस्ट आते हैं, रोडस्टर में भी डबल एग्जॉस्ट आते हैं, एडवेंचर में सिंगल आता है और स्क्रैम्बलर में भी डबल आते हैं, तो डबल एग्जॉस्ट है इसके अंदर। और पीछे आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है ये, क्योंकि आपने अगर ऑफ रोड करनी है तो आपकी मिट्टी उड़ के वापस ना आए, तो आपको ये एक टायर हगर वाला जो मडगार्ड है वो वाला मिल जाता है यहाँ पे। बाकी आई थिंक एक्सेसरी में आप लोग यहाँ पे इसको लगा सकते होंगे। सैडल बैग वगैरह लगाने की एक्सेसरी आई डोंट थिंक सो इसमें आपको मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा सैडल बैग। ये बाकी बाइक्स के कंपैरेटिवली में मुझे नहीं लगता यहाँ पे सैडल बैग ज़्यादा फीजिबल रहेंगे। रियर माउंट आपको टॉप बॉक्स लगाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेसी के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। और हैंडल बार इसके एज कंपैरेटिवली बाकी बाइक्स के हैंडल बार इसके थोड़े से वाइड है, बिकॉज जो डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया है स्क्रैम्बलर का। मीटर इसका इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे 42 से, जावा का जो 42 आया था उसका एक साइड को मीटर था, तो मैं मीटर से इससे सेटिस्फाइड हूँ। ओलेड मीटर है तो विजिबिलिटी की कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो हेलमेट है वो टैंड हेलमेट है, शीशा काला होता है, तब भी मैं इसमें आराम से देख पा रहा था। इट इज़ अ वेरी गुड मीटर। और डिज़ाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सीट की जो स्टिफनेस है दैट इज़ नॉर्मल, मतलब मैं एकदम सॉफ्ट साइड पे भी नहीं कहूँगा, एकदम हार्ड साइड पे भी नहीं कहूँगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जो इसकी राइड क्वालिटी है, जो मेरे को अभी इनिशियली एक घंटे में पता लगी, क्योंकि मैंने इनिशियली अभी बाइक चलाया, नए नए लॉन्च हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसकी राइड क्वालिटी की जो सेटिंग जो आता है, सेटिंग जो कह सकते हो, अरेंजमेंट कह सकते हो, सेटिंग आप स्टाइल देख सकते हो। एज कम्पेटिवली मैंने एडवेंचर चलाया था, इसके साथ ही हम लोग एडवेंचर भी टेस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो एडवेंचर भी मैंने चलाया अभी, बट स्क्रैम्बलर की जो सिटिंग हाइट है ना वो थोड़ी सी ऊंची है। मतलब एडवेंचर में मेरे पैर ऐसे लग पा रहे थे पूरे, बट स्क्रैम्बलर में मेरे को पैर पीछे से उठाने, एंकल उठाने पड़ रहे हैं। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है आई थिंक वो ज़्यादा है, या तो इसकी जो सिटिंग हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर को ज़्यादा को कर दी गई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हाइट है 5'10" टू 5'11" के बीच में, उसके हिसाब से आप लोग इसको जज कर सकते हैं कि इसकी सिटिंग हाइट क्या होगी। जो सीट की लेंथ है वो भी थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि अगर मैं बैठ जाता हूँ पीछे से तो पीछे वाले बंदे को बैठने के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। स्क्रैम्बलर के डिज़ाइन के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एज कम्पेटिवली रोडस्टर और एडवेंचर में दोनों में आपको आप और पिलियन आराम से बैठ सकते हैं। मतलब एडवेंचर में तो पिलियन बहुत ही बढ़िया तरह से बैठ सकते हैं, क्योंकि आप पीछे टॉप बॉक्स लगा देंगे तो उसके बाद उसके लिए तो कुशन हो जाएगा। इसमें आपको वो चीज़, वो कंफर्टेबल, वो कंफर्ट आपको वो ऑफर नहीं कर पाएगा ये डिज़ाइन। इसमें गलती बाइक की नहीं है, ये डिज़ाइन ही दूसरा है, ये जॉनरे ही दूसरा है, ये कैटेगरी ही दूसरी है बाइक की। तो अब बात कर लेते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में। सी, सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। इन यसडी के बाइक्स में एक चीज़ अच्छी है, अगर साइड स्टैंड लगा है तो आपका इंजन ऑन तो हो जाएगा पर रेव नहीं करेगा। मैं ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे ये जो इंजन है ना ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। मतलब इसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम है, एज कम्पेरेटिवली मैं स्क्रैम्बलर को थोड़ा रॉ पावर में देख रहा था, बट इसके अंदर जो वाइब्रेशन है फुट पैग्स पे भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती है। आप ऐसा नहीं है एक्सेलरेशन वगैरह में कोई कमी नहीं है इसकी, और बाकी सारे इंजन की आई थिंक स्पेसिफिकेशन सेम है बट इनकी ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसकी राइडिंग क्वालिटी ना उतना मेरे को इम्प्रेसिव, उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगी एज कम्पेरेटिवली जो यसडी के एडवेंचर में मेरे को लगती है। इंजन ऐसा नहीं है इंजन में कमी है, इंजन उतना ही पावरफुल है। आपको जो पिकअप फील होगी, जो आपको पावर फील होनी है वो उतनी ही है। आई थिंक उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत ट्यूनिंग में फ़र्क होगा, बट अगर आपको रिफाइन
रिफाइनमेंट वाले बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे होंडा हाइनेस था, जैसे और भी रिफाइंड इंजन वाले बाइक्स आते हैं जिनमें मतलब आप समझ सकते हैं ना, फुटपैक पे भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होनी, तो वो आपको ये बाइक ऑफर कर सकता है। ये बाइक आपको आराम से क्रूज करा देगा 100 टू 120 के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंजन वही सेम एडवेंचर वाला ही है, इसमें इंजन में कोई कमी नहीं है। आपको थोड़ा सा डिज़ाइन वो मिल जाता है, हाइब्रिड डिज़ाइन मिल जाता है, आपको पीछे से ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है टायर और उसके बीच में। और वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस से याद आया, जो जावा के बाइक्स जो पहले आए थे जिनमें एक प्रॉब्लम थी कि उनके साइलेंसर के नीचे से जो डबल स्टैंड होता है वो लग जाता था, वो इसके अंदर एलिमिनेट कर दिया गया है, वो मतलब वो प्रॉब्लम आपको इसमें होने ही नहीं वाली। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है, जिस वजह से जो नीचे से लग लग के जो नुकसान होते थे पहले, वो नुकसान अब होने नहीं वाले। और इसके अंदर आपको दो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, दो एग्जॉस्ट की वजह से आप इसके अंदर ये एडवांटेज है कि जब आप इसको ये वाला एग्जॉस्ट हटा के रेड रूस्टर वाले एग्जॉस्ट लगवाएंगे या फिर अपने हिसाब से कोई भी कस्टम एग्जॉस्ट लगवाएंगे, तो आप इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं एज कम्पेरेटिवली जो एडवेंचर में आता है उसमें सिंगल एग्जॉस्ट है। और आई डोंट थिंक सो कि उसका एग्जॉस्ट चेंज करवाना वॉज अ गुड आइडिया, क्योंकि उसका पहले से एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा बेजी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को, एक जेन्युइन एग्जॉस्ट नोट है इसका। थोड़ा सा अभी साइलेंस साइड पे है, क्योंकि इसमें एक तो डबल मिल जाते हैं आपको, ऊपर से कंपनी इंस्टॉल्ड है तो कंपनी तो आपको शोर शराबा मचाने नहीं देगी, तो अगर आपको वो सब अपने शौक पूरे करने हैं तो वो आपको आफ्टर मार्केट करने पड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। मैं इसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करूँगा, एक इनिशियली एक सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। इसका जो सस्पेंशन है ना, दैट इज़ ऑन अ स्टिफर साइड, एक हार्ड साइड पे सस्पेंशन आपको इसका मिल जाता है, क्योंकि ये स्क्रैम्बलर है। इसमें आपको दो तरह की चीज़ें मिलनी है, एक तो आप इस पे क्रूज भी कर सकते हैं, दूसरा आप इस पे ऑफ रोड भी कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टिफर साइड पे सस्पेंशन रखी है। ओह माय गॉड, ओके, थोड़ा सा ऑफ रोड वाला स्ट्रेच आ गया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये स्क्रैम्बलर में ना बिल्कुल भी आपको फुटपैक पे तक भी वाइब्रेशन फील होगी नहीं, मतलब बहुत ही बढ़िया रिफाइंड इंजन टाइप्स है और पावर तो सेम है आई थिंक वही। ओके, जो इसके सस्पेंशन है वो थोड़े स्टेफर साइड पे हैं, क्योंकि मेरे को हर एक थोड़ा सा भी जो झटका है ना वो फील हो रहा है, जो कि मुझे एडवेंचर पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। एंड ओके, लेट्स गो ऑन द सीधा वाला रास्ता, उस पर अभी हमें पता लगेगा। ओके, तो अब हम बाय डॉग्स। बहुत ही बढ़िया पावर, बहुत ही बढ़िया, भाई साहब पावर में कोई कमी नहीं है, पावर में कोई कमी नहीं है, पावर उतनी ही ज्यादा बढ़िया है। और बाकी बात कर लेते हैं स्क्रैम्बलर के एलईडीज वगैरह के बारे में। तो जैसे जावा में पहले एलईडीज नहीं आती थी, तो अब इसमें टोटल सारी एलईडीज आती हैं, आगे भी एलईडी, इंडिकेटर एलईडी, पीछे भी एलईडी, ऑल एलईडी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोड्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बाकी सारी बाइक्स की तरह इसमें भी आपको मोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेस हैं जिनमें आपने सिलेक्ट मोड वगैरह चेंज करने हैं। यहाँ पे मिल जाएगा हॉर्न, इंडिकेटर, हैजार्ड्स, इसमें आपको सारी बाइक में हैजार्ड्स इंडिकेटर मिलते हैं, जो फोर वे फ्लैशर होते हैं वो आपको सारी बाइक्स में मिलने वाले हैं। सो दैट वॉज इट फॉर स्क्रैम्बलर एज वेल। बट अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ कि अगर आपकी नीड्स मेरी तरह हैं, जो पहाड़ों पे आप ज़्यादा बाइक चलाना चाहते हैं और पहाड़ों के साथ साथ आप हाईवे भी क्रूज करना चाहते हैं, आप एक ऐसा बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूटिलिटी आप कवर करना चाहते हैं, तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप सोचें तो आई विल पिक एडवेंचर एनी डे अबव दिस एंड रोडस्टर एज वेल। रोडस्टर एक ऐसा बाइक है ना, जैसे रॉयल एनफील्ड का मीटियोर है ना, वो है, मतलब उसका आपको एक सही चीज़ पता है कि आपको उस पर क्रूज ही करना है, आप उसमें दूसरे पंगे नहीं लेंगे। जैसे ये एक हाइब्रिड बाइक है, आप इसमें दो तरह के पंगे ले सकते हैं। एडवेंचर एक सिंगल टाइप सब बाइक है, आपको पता है कि वो क्रूज और ऑफ रोड के लिए बना है, ठीक है। ये थोड़ा सा हाइब्रिड बाइक है, ये आपको थोड़ा सा नीचा भी दिखता है और थोड़ा सा डिजाइन में भी फर्क है, तो इसमें आप दो तरह के पंगे लेंगे तो आपको हो सकता है कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट फील हो। आपको एडवेंचर में ये फील नहीं होगी, आपको ये रोडस्टर में फील नहीं होगी। रोडस्टर इज ऑल्सो अ गुड बाइक, इंजन सेम है ऑलमोस्ट। बाकी अगर आप चाहते हैं रोडस्टर की वीडियो देखना तो लेट मी नो इन दैट नीचे वाला कॉमेंट सेक्शन ब्रो, ठीक है, बताइएगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस स्क्रैम्बलर, दिस ब्यूटी। ऐसा नहीं है आई एम नॉट हेटिंग ऑन दिस बाइक, बट हाँ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है।